और गिरिडीह से खबर है, डीएमओ सतीश नायक के नेतृत्व में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पालो खरीब मुंडरडी के में सुनील अग्रवाल की माइंस पर छापेमारी हुई है। वहां पर एक पत्थर लदा हाइवा और एक पोकलेन को जब्त किया गया है। इस मामले में हाइवा और पोकलेन मालिक और खदान संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। लीज खत्म होने के बाद भी खदान से खनन किया जा रहा था, इसकी जानकारी होने पर छापेमारी की गई। छापेमारी की जानकारी होने पर संचालक वहां से फरार हो गया। खदान में लगाए गए जिलेटिन को एक्सपर्ट की मदद से निकाला भी गया है। वीडियो बेंगाबाद के द्वारा रेड किया गया था, पुनः उसी सूचना के आलोक में आज फिर हम लोग रेड किए हैं, जिसमें एक पोकलेन एक हाइवा को जब्त किया गया है और इसमें एक्सप्लोसिव भी पाया गया है। जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा कि ये पूर्व में सुनील अग्रवाल के नाम पे लीज बंदोबस्ती था, जिसका बंदोबस्ती 3/3/2022 को समाप्त हो चुका है, परंतु इनके द्वारा अभी तक भी कार्य किया जा रहा था। इस आलोक में हम लोग बेंगाबाद थाना में विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए इस पर प्राथमिक के मंडरडी में एक खदान है जो सुनील अग्रवाल द्वारा चलाया जाता है। जैसा कि डीएमओ साहब ने बताया है कि इनका जो लीज था वो दिनांक 3/3/2012 से 10 सालों के लिए था, जिसका कि लीज खत्म भी हो चुका है 3/3/2022 को। और ये इसके बावजूद भी लीगल तरीके से पत्थर का मतलब उत्खनन कर और परिवहन कर रहे थे, तो एक ग्रामीणों द्वारा सामने रोका गया था, जिसको विधिवत फिर सूचना मिली थाना प्रभारी को, तो उसमें थाना प्रभारी और वीडियो आकर उसको जांच किए थे तो गलत पाया गया। उसके बाद डीएमओ को सूचना दी गई, तो डीएमओ साहब ने उसमें विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराने होते। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।